हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी क्लास थर्ड की इंग्लिश ग्रामर में यूजिंग अ डिक्शनरी समझाया था। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ, जिससे आपकी समझ में और अच्छे से आ जाए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है आपका आर्किटेक्ट, अपार्टमेंट, एनाकोंडा, अकाउंट, एम्बुलेंस। ओके, अब आपको ये देखना है कि सब में फर्स्ट लेटर जो है ए ही आ रहा है अल्फाबेटिकली। अब आपको सेकेंड लेटर ये चूज करना है कि क्या रहा है। इसमें आर है, इसमें पी है, इसमें एन है, इसमें सी है और इसमें एम है। अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या वर्ड आता है? सी आता है। डिक्शनरी में क्या आता है? सी। इन सबसे पहले आर से, पी से पहले क्या आता है? सी। तो आपको यहाँ पर अकाउंट लिखना होगा। मैं आपको राइट करके बताती हूँ। ए डबल सी ओ यू एन टी। ओके, अब आपको सेकंड वर्ड देखना है कि हमारा क्या वर्ड इसमें आ रहा है अल्फाबेटिकली। आप ये देखिए कि इसमें आर है, इसमें पी है, इसमें एन है और इसमें एम है। इसके बाद हमारा क्या वर्ड आएगा? एम। ठीक है, एम्बुलेंस। तो इसको हम राइट करेंगे एम्बुलेंस, ए एम बी यू एल ए एन सी ई, एम्बुलेंस। इसके बाद एम के बाद हमारा क्या वर्ड आ रहा है इसमें? एन। तो इसको राइट करेंगे ए एन ए सी ओ एन डी ए, एनाकोंडा। इसके बाद हमारे टू लेटर्स बचे, सेकेंड लेटर है इसमें पी और इसमें है आर। अल्फाबेटिकली आप देखिए कि क्या वर्ड पहले आता है, पी आता है या आर आता है? पी आता है। तो हम इस वर्ड को राइट करेंगे पहले अपार्टमेंट, ए पी ए आर टी एम ई एन टी, अपार्टमेंट। और लास्ट में हम लिखेंगे आर्किटेक्ट, ए आर सी एच आई टी ई सी टी, आर्किटेक्ट। ओके, इसी तरह से हम सेकंड वाला देखते हैं। इसमें है बोर्ड, बेंच, बेकरी, ब्लैक एंड ब्राउन। अब आप देखिए सब में बी ही दिया हुआ है वर्ड। आपको सेकंड वर्ड देखना है कि क्या अल्फाबेटिकली पहले आता है। ओ है इसमें, ई है इसमें, ए है इसमें, एल है इसमें, आर। क्या पहले वर्ड आएगा आपका? बेकरी। तो यहां पर हम राइट करेंगे बेकरी, बी ए के ई आर वाई, बेकरी। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा अल्फाबेटिकली आ रहा है। अब आप देखिए कौन सा वर्ड आ रहा है, एल है इसमें, आर है इसमें, ई है इसमें, ओ है। तो ई है और एक एल है। ठीक है, ये आर और ओ तो बाद में लास्ट में आते हैं। तो एल पहले आएगा या ई पहले आएगा? ई पहले आएगा। तो हम बेंच लिखेंगे, बी ई एन सी एच, बेंच। इसके बाद हम लिखेंगे ब्लैक, बी एल ए सी के, ब्लैक। इसके बाद आप देखिए आपके टू लेटर्स बचे इसमें, बोर्ड एंड ब्राउन। अब आप देखिए सेकंड है इसमें ओ और इसमें है आर। ओके, तो ओ पहले आएगा या आपका आर पहले आएगा? ओ पहले आएगा, है ना? तो हम लिखेंगे बी ओ ए आर डी, बोर्ड। फिर लास्ट में हम लिख देंगे ब्राउन। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिए अब आप कैलेंडर, चीजल, शेफ, कार्डबोर्ड एंड चेस्ट। सब में सी ही आ रहा है वर्ड। सेकंड लेटर आप देखिए इसमें ए है, इसमें एच है, इसमें एच है, इसमें ए है और इसमें एच है, यानी टू में आपका ए आ रहा है सेम सेम। तो अब हम थर्ड लेटर मैच करेंगे। थर्ड इसमें एल है और इसमें थर्ड क्या है? आर है। तो थर्ड आपका जो लेटर एल और आर में आपको देखना है कि कौन सा वर्ड पहले आता है, तो हमारा आता है एल। इसलिए हम राइट करेंगे कैलेंडर, सी ए एल ई एन डी ई आर, कैलेंडर। आफ्टर दैट कार्डबोर्ड, सी ए आर डी बी ओ ए आर डी। ओके, कार्डबोर्ड। अब आपके बच्चे चीजिल, शेफ, चेस्ट, तीनों में एच वर्ड आ रहा है। ओके, अब आपको थर्ड देखना है, इसमें आई है, इसमें ई है और इसमें भी ई है। ठीक है, टू में आपका ई आ रहा है। तो अब आपको फोर्थ लेटर मैच करना है, इसमें एफ है और इसमें एस है।
तो आपको ये देखना है कि F पहले आता है या S पहले आता है। F पहले आता है, S बाद में आता है, ओके। इसलिए हम वी विल राइट फर्स्ट शेफ, CHEF, शेफ। इसके बाद हम राइट करेंगे चेस्ट, CHEST, चेस्ट। और लास्ट में हम राइट करेंगे CHISEL। इसी तरह आपका आया यहाँ पर ड्राइंग रूम, ड्रामेटिस्ट, डिक्शनरी, डायरेक्टरी, डिटेक्टिव। यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे देखेंगे डी 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 डी, सेकंड में इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें आई है और इसमें ई है। तो आप देखिए अल्फाबेटिकली आर पहले आता है या आई या ई, तो ई पहले आता है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, डिटेक्टिव, डी ई टी ई सी टी आई वी ई, डिटेक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं ई के बाद हमारा कौन सा वर्ड है जो पहले आता है, आर आता है या आई आता है, आई आता है, ठीक है। इसमें दोनों में आपके, हाँ तो मैं आपको समझा रही थी डिटेक्टिव, अब आपको ये देखना है कि इसमें आई है और इसमें भी आई है, फिर है सी, फिर है आर। तो सी पहले आता है तो आप डिक्शनरी लिखिए, डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई, डिक्शनरी, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया है डी आई के बाद आर, इसमें दिया है आर, इसके बाद है आपका डिक्शनरी के बाद देखिए डायरेक्टरी, ड्रामेटिस्ट और ड्राइंग, ओके। इसके बाद आप देखेंगे डी आई आर, डायरेक्टरी की स्पेलिंग लिखिए डी आई आर ई सी टी ओ आर वाई, डायरेक्टरी, ड्रामेटिस्ट एंड ड्राइंग रूम, डी आर ए डी आर ई, इसमें है एम, इसमें है डब्ल्यू, पहले आपका आएगा एम, तो इसमें लिखिए ड्रामेटिस्ट, डी आर ए एम ए टी आई एस टी, लास्ट में आप लिखिए ड्राइंग रूम। लॉन, लॉफ्ट, लिटर, लाइब्रेरी।